और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मौसम के मिजाज की। तो पहाड़ी राज्य हो या फिर मैदानी, कई ऐसे राज्य हैं जहां अभी भी बार बारिश की मार देखने को मिल रही है। जी, और पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से बारिश हो रही है उससे नदियां उफान पर हैं और इसी उफान की वजह से 14 लोगों के फंसने की खबर मिल रही है और साथ ही हरिद्वार में गंगा का भी रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर बारिश का तांडव जारी है। हिमाचल में हुई तबाही पूरे देश ने देखी, अब उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में आसमानी आफत कहर बरपा रही है। टिहरी गढ़वाल की तस्वीरें देखिए, कैसे जेसीबी की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। ये लोग बांदल नदी के बहाव में फंस गए थे, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद 14 लोगों का रेस्क्यू किया जा सका। इन लोगों में 2 बच्चे भी शामिल थे। पहाड़ों में हो रही भारी बारिश के बाद उत्तराखंड के श्रीनगर डैम और ऋषिकेश के पशु लोक बैराज से गंगा में पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद गंगा उफान पर है, जिसके बाद यूपी और हरिद्वार के आसपास के क्षेत्रों में एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन में भूस्खलन की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। पहाड़ से पत्थर और मलबा भरभरा कर सड़क पर आ गिरा, जिसके बाद दोनों तरफ से आवाजाही ठप हो गई। ऐसा लगा जैसे पूरा पहाड़ ही नीचे आ रहा हो। जिस जगह पर पहाड़ टूटा वहां हाईवे पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था। गनीमत रही कि चट्टानों की चपेट में कोई नहीं आया। जोशीमठ में भी पहाड़ तोड़ आफत की तस्वीरें सामने आई हैं। बारिश के बाद हो रहे भूस्खलन ने पहाड़ों पर जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। अब इन तस्वीरों को देखिए, सोलंग पेट्रोल पंप और पागल नाला के पास हाईवे पर भूस्खलन के बाद बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गिरे और आवाजाही ठप हो गई। बद्रीनाथ यात्रा भी रोकनी पड़ी। सड़क चौड़ीकरण में लगी एक मशीन भी बोल्डर की चपेट में आ गई। जोशीमठ के थैंग गांव में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर देखने को मिला। ग्वाड तोक से करीब 1 किलोमीटर ऊपर देर रात बादल फटा, जिसके बाद सड़क पर बड़ा हिस्सा पानी के साथ बह गया। भारी बारिश के बाद ग्वाड गांव में आए सैलाब ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। स्थानीय लोगों ने घरों से भागकर अपनी जान बचाई। बादल फटने के बाद आए जलजले में गांव के 50 नाली से ज्यादा उपजाऊ जमीन का कटाव हो गया। और बात हिमाचल प्रदेश की करें तो वहां पर भी हालात उत्तराखंड जैसे ही बल्कि उससे भी बुरे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और इसी नॉनस्टॉप बारिश की वजह से जगह जगह लोग बाढ़ की मार तो झेल रहे हैं और लैंडस्लाइड की घटनाएं हर दिन घट रही है। लगातार मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से कालका शिमला जो रेलवे ट्रैक है उसे एक बार फिर से बंद करना पड़ा है। पहाड़ों पर कुदरत की विनाश लीला जारी है। बाढ़ बारिश से तबाही के बाद अब पहाड़ के लोग भूस्खलन का संताप झेल रहे हैं। पहाड़ों से मलबा भरभरा कर सड़क पर आ रहा है, लिहाजा सड़कें ठप हो गई हैं और लंबे जाम से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। शिमला से सामने आई तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। रामपुर के किन्नू में मंगलाट बगावट रोनपुर संपर्क मार्ग पर देखते ही देखते पहाड़ी का एक हिस्सा भरभरा कर सड़क पर आ गिरा और मलबा सड़क से होते हुए खाई में जा गिरा। आसपास खड़े लोग तस्वीरों को मोबाइल में कैद करते नजर आए। इन दिनों टूटते दरकते पहाड़ स्थानीय लोगों और पर्यटकों की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। इस भूस्खलन के चलते दर्जनों गांव का संपर्क टूट गया है। वहीं लगातार हो रहे लैंडस्लाइड के चलते कालका शिमला वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे ट्रैक को 27 अगस्त तक बंद कर दिया गया है। बारिश के चलते ट्रैक को भारी नुकसान पहुंचा है। लगातार हो रहे लैंडस्लाइड और लैंड सिंकिंग की वजह से जगह जगह बड़े बड़े पत्थर पेड़ और मलबा ट्रैक पर आ गिरे, जिसे हटाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इससे पहले रेलवे विभाग ने 16 जुलाई से 6 अगस्त तक के लिए ट्रैक को बंद किया था। मरम्मत का काम पूरा नहीं हो पाने की वजह से अब ट्रैक को 27 अगस्त तक बंद किया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर चलने वाली सभी ट्रेनों को 27 अगस्त तक बंद कर दिया गया है। आपको बता दें, रेलवे अधिकारियों का कहना है कि भारी बारिश से रेलवे ट्रैक पर जगह जगह लैंडस्लाइड हुए हैं, जगह जगह बड़े बड़े पेड़ जो है ट्रैक पर गिरे हैं और भारी नुकसान जो है रेलवे ट्रैक को हुआ है, जिसकी वजह से अब 27 अगस्त तक सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। पहाड़ों पर हो रही बारिश और भूस्खलन से आने वाले कुछ दिनों में राहत मिल पाएगी, इसके आसार कम ही नजर आ रहे हैं। ऐसे में ट्रैक सुचारू रूप से कब शुरू हो पाएगा कहना मुश्किल है। और कई मैदानी राज्य भी ऐसे हैं जो बारिश की मार झेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, पंजाब हो या हरियाणा, कई इलाके जलमग्न हैं और लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। सड़कों पर सैलाब देखने को मिल रहा है और एक बार फिर से प्रशासन की जो पोल है वो खुल चुकी है।
आधे हिंदुस्तान पर कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। मानसूनी आफत का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा। तस्वीरें यूपी के सीतापुर की हैं, जहां रविवार को हुई बारिश के चलते पूरा शहर जलमग्न हो गया। वाहनों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हर साल की तरह प्रशासन के नालों की सफाई के तमाम दावे फेल साबित हो रहे हैं। इसी का नतीजा है कि पूरे शहर को जल भराव का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 8 अगस्त तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा के शहर अंबाला की तस्वीर भी कमोबेश बारिश की मार झेल रहे बाकी शहरों की तरह ही दिखाई दी। रविवार को रुक रुक कर हुई बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। गली मोहल्ले बाजार जलमग्न नजर आए। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये जो बारिश पड़ी उससे गर्मी से राहत तो मिली है, और मगर ये पानी की निकासी ना होने की वजह से परेशानी है, जो जिसकी वजह से गाग नहीं आ रहा। मौसम बहुत बढ़िया हो गया, पानी इकट्ठा हो गया, वो नहीं निकल पा रहा है। ये सारा जमा हुआ है पानी इधर। दुकानदारी में तो असर हुआ ही है, कस्टमर नहीं आ रहा कोई भी, बारिश हो रही है, कस्टमर आ ही नहीं रहा। सड़क के किनारे नए नए नाले बनाए गए हैं, वो पहले सारे चौक हो रखे हैं सिल्ट से, तो वो साफ तो है ही नहीं, तो पानी इसलिए उनके अंदर तो जाता ही नहीं है, इसलिए फिर कॉलोनी फ्लड हो रही है सारी। कुछ दिन पहले मूसलाधार बारिश के चलते अंबाला को भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ा था।